गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन, नंबर 1। हाउ मेनी बोन्स ऑन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैव? ह्यूमन स्केलेटन में कितनी की बोन पाई जाती है? यह है 206 बोन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 206 बोन पाई जाती है ह्यूमन स्केलेटन में, मतलब अडल्ट में टोटल 206 बोन पाई जाती है। बट ये जो स्मॉल बेबी के पास 300 से ज़्यादा बोन पाई जाती है, 300 बोन। और आपको भी ऐसे ही आपको देखने को मिला, मतलब 350 बोन भी पाई जाती है स्मॉल बेबी में। नेक्स्ट, नंबर 2। हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन एन अडल्ट ह्यूमन एवरी 24 आवर? हाउ मच, कितने लीटर तक, मतलब कितनी वॉल्यूम तक यूरिन प्रोड्यूस करती है एक अडल्ट ने तो एवरी 24 आवर में? ये होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1.5 लीटर तक, मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 1.5 लीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर 3। इन विच पार्ट ऑफ एन आई ये पिगमेंट इज प्रेजेंट? एक पिगमेंट पाई जाती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू, ब्राउन, ब्लू एंड और ब्लैक आईज? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच पार्ट ऑफ एन आई ये पिगमेंट इज प्रेजेंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन, ब्लू और ब्लैक आई? ब्राउन और ब्लू और ब्लैक आई, ये कौन सी कारण ये देखने को मिलता है? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इरिस, याद रखिएगा। इसी कारण, मतलब ये इसके रिस्पॉन्सिबल के कारण जो कि ब्राउन, ब्लू और ब्लैक आई देखने को मिलता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नंबर 4। इन ए चाइल्ड 3 to 4 ईयर्स मिल्क टीथ डू नॉट इंक्लूड, जो कि मिल्क टीथ इनमें से कौन सी नहीं होगा? यह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोलार्स, इनमें से मोलार होगा आंसर, याद रखिएगा, जो कि चाइल्ड के पास ये मिल्क टीथ नहीं है, ये जो मोलार देख रहे हो। नेक्स्ट, नंबर 5। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर द रिच सोर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? कौन सी विटामिन ज़्यादातर पाई जाती है? जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहे जितना भी, मतलब ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कौन सी विटामिन ज़्यादातर पाई जाती है? ये ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन B12, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इनमें से आंसर ऑप्शन डी ही सही होगा, ऑल ऑफ दिस, याद रखिएगा। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहे जितना भी, ये इनमें से पाई जाती है विटामिन ए पाई जाती है, ई और विटामिन B12 भी पाई जाती है, याद रखिएगा। विटामिन B12 भी, मतलब हमारा शरीर में एक पैरासाइट है, वो है साइनोकोबालमिन बैक्टीरिया, पता ही होगा आपको, ये हमें विटामिन B12 देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6। इन द ह्यूमन बॉडी में द ब्लड एंटर्स द एरोटा ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर 7। ए यूनिवर्सल रिसीवर पर्सन हैव ए ब्लड ग्रुप, कौन सी ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सल रिसीवर है, ब्लड रिसीवर, मतलब सभी ने ब्लड डोनेट कर सकते हैं उन्हें? ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए बी टाइप जो ब्लड ग्रुप रहे, ये है यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर, याद रखिएगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप रहे, ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप, जो ये ब्लड ग्रुप जो ग्रुप ब्लड फोर टाइप्स की है, ए बी एंड ए बी एंड ओ, ये फोर टाइप्स की है, ये जो डिस्कवर की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये डिस्कवर की थी जो ब्लड ग्रुप रहे हमारा, जो ब्लड ग्रुप फोर टाइप्स की कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर की थी। और जो पहली बार जो ब्लड सर्कुलेशन ये जो डिस्कवर की गई थी, ये विलियम हार्वे के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर आपको याद रखना चाहिए। ये जो ब्लड ग्रुप देख रहे हो, ये जो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर की है, याद रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर ये है ओ ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रिसीवर जो है ये है ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट, नंबर 8। नेम द ग्लांड व्हिच कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, कौन सी ग्लांड जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता करती है? ये एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाती है। नेक्स्ट, नंबर 9। ये ह्यूमन डिजॉर्डर क्रिटिनिज्म,
याद रखिएगा, ए ह्यूमन डिजॉर्डर क्रिटिनिज्म इज कॉज ड्यू टू द अंडर सिक्रेशन ऑफ डस्ट। कौन सी सिक्रेशन से ये जो ह्यूमन डिजॉर्डर क्रिटिनिज्म कौन सी सिक्रेशन के कारण ये देखने को मिलता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थायरोक्सिन हार्मोन के जो सिक्रेशन के कारण यह डिजॉर्डर क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है ह्यूमन में, थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड? लिम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड होती है कौन से ऑर्गन से? बोन मैरो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोन मैरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोन मैरो जो कि बोन मैरो से जो ऑर्गन मतलब इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड, ये बोन मैरो से फॉर्म होती है। नेक्स्ट नंबर 11, नेम द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट फाइट इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो फाइट करने में जो मतलब इम्यूनिटी पावर जो रहे ब्लड में ये किसके जरिए रहे? ये है वाइट ब्लड सेल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, WBC वाइट ब्लड सेल के कारण जो कि ब्लड में इम्यूनिटी पावर जो बॉडी में ह्यूमन बींग में जो इम्यूनिटी पावर पाई जाती है ना, मतलब जो कि ये कंपोनेंट ब्लड में पाई जाती है फाइट करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नेक्स्ट नंबर 12, नेम द टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लीनिंग ऑफ द माउथ। नेम द टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लीनिंग ऑफ द माउथ, ये है इपिथेल टिश्यू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इपिथेल टिश्यू याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 13, व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन कल्ट। व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन कल्ट मतलब ह्यूमन में जो स्केलेटन रहे, जो मैंने तो आपको आंसर बता दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्केलेटन मतलब ह्यूमन में जो बोन का जो स्ट्रक्चर रहे ह्यूमन बॉडी में, ये उसे स्ट्रक्चर इसे स्केलेटन कहा जाता है, कार्टिलेज ये याद रखिएगा, जो कि उपास्थि है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन बॉडी में जो फ्रेम रहे मतलब फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी बॉडी में जो बोन रहे फ्रेमवर्क ऑफ बोन ये स्केलेटन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 14, नेम द बॉडी ऑर्गन दैट हेल्प्स अवर बोन मूव। नेम द बॉडी ऑर्गन कौन सी ऑर्गन जो कि हेल्प करती है बोन को मूव करने में, याद रखिएगा यह मसल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मसल इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 15, विच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लंग्स। लंग्स में कौन सी ऑर्गन सिस्टम लंग्स कौन सी ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है? यह है नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी है मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन डी है एक्सिरेटरी सिस्टम, ये होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि लंग्स रेस्पिरेटरी करती है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये सभी को याद रखिएगा, हमने हर दिन के तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डेली करंट अफेयर भी इसी चैनल में डिस्कस की जा रहा है, सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा क्योंकि इसी चैनल में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस की जाती है। सो आगे बढ़ जाते हैं नंबर 16, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ किडनी, जो ह्यूमन बींग में जो किडनी रहे इसका अदर नेम क्या है, जो अलग से नाम उसका है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ रेनाल बोन्स कार्टिलेज, इनमें से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रेनाल, उसे रेनाल कहा जाता है मतलब जो किडनी रहे किडनी का अदर नेम है रेनाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 17, हाउ मेनी लंग आर देयर इन ह्यूमन बॉडी में कितनी की लंग पाई जाती है? यह है टू लंग्स, पता ही होगा आपको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू लंग। नेक्स्ट नंबर 18, व्हाट आर द टू होल्स इन द नोज कॉल्ड, मतलब जो टू होल रहे नोज में उसे क्या कहा जाता है, याद रखना चाहिए आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नॉस्ट्रिल, उसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है, जो टू होल रहे जो वो जो नोज में उसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 19, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी में कितने के सेंस ऑर्गन रहे, मतलब ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने की सेंस ऑर्गन रहे, याद रखिएगा मतलब स्किन हो गया नोज हो गया ऐसे ही, मतलब सेंस ऑर्गन ये है
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5। ह्यूमन बॉडी में टोटल सेंस ऑर्गन जो है 5 रहे। सो नेक्स्ट नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी थम्स डू वी हैव, मतलब हमारे पास कितने की थंब होती है। यह है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 थंब। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मतलब हमारे जो 5 मतलब 5 फिंगर रहे, जो एक हैंड में जो 5 फिंगर रहे। और याद रखना चाहिए आपको, द बिगेस्ट टो इज कॉल्ड द, याद रखिए, जो हमारे जो फुट में जो पाई जाती है ना, फुट में जो फुट का जो फिंगर है, मतलब हमारे जो हैंड में जो फिंगर रहे उसका नाम है, याद रखिए, मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ उसे, याद रखना, ये जो बड़ा वाला फिंगर रहे, ये है, उसे क्या कहा जाता है, उसे थंब कहा जाता है। और ये साइड में रहे, ये है, उसे इंडेक्स कहा जाता है। और जो मिडिल वाला पोजीशन पे जो रहे, उसे मिडिल फिंगर कहा जाता है, मिडिल। और ये जो मिडिल का साइड में जो रहे, ये है रिंग फिंगर, याद रखना, उसे रिंग फिंगर कहा जाता है। और जो सबसे जो छोटा वाला फिंगर रहे, सबसे जो छोटा वाला फिंगर ये है, उसका नाम है पिंकी, और रिंग भी कहा जाता है, पिंकी, रिंकी, लिटिल फिंगर, ऐसे ही कहा जाता है उसका नाम, याद रखना चाहिए। और हमारे जो फीट में जो अंगूठा रहे, उसका नाम है, यहाँ दी गई है, याद रखना, द बिगेस्ट टो इज कॉल्ड द हल्लुक्स, और बिग टो कहा जाता है, द वन इमीडिएटली नेक्स्ट टू इट इज कॉल्ड द सेकेंड टो कहा जाता है, और इंडेक्स उसे भी कहा जाता है, इंडेक्स टो। द नेक्स्ट टो इज कॉल्ड द थर्ड टो, एंड देन कम्स द फोर्थ टो। द लास्ट टो व्हिच इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट इन साइज इज कॉल्ड द, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, इज कॉल्ड द फिफ्थ टो, और पिंकी टो, उसे पिंकी टो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सो ये जितना भी हमने हैंड में जितना भी फिंगर रहे, सभी के बारे में डिस्कस की, ये सभी को याद रखिएगा। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके है, आपका नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ के रहेगा। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंपॉर्टेंट जीके के साथ, इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर भी डिस्कस किया जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।